हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सागर, और आज हम बात करेंगे अपनी हुंडई वेन्यू के कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में, हिडन फीचर्स के बारे में। एक्चुअली मैं आज आपको अपने हुंडई वेन्यू के बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं अपनी गाड़ी के बारे में। ये है अपनी 2022 वाली, सितंबर में ली थी मैंने हुंडई वेन्यू एस मॉडल, पेट्रोल के अंदर आता है। अभी तक मैंने ये 7000 अप्रॉक्स जो है किलोमीटर चला दिया, एंड काफ़ी मज़ेदार जो है अब तक एक्सपीरियंस रहा है। सोचा कि आपको कुछ इसके हिडन फीचर्स जो हैं बताता हूँ, जो मैंने बोलता हूँ ना थोड़े बहुत मैंने आज मैं सोचा आज की वीडियो में मैंने सोचा कि आपको कुछ इसके हिडन फीचर्स बताता हूँ, जिससे आपको इसको समझना और भी आज मैंने सोचा कि आपको कुछ इसके हिडन फीचर्स के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको अपनी हुंडई वेन्यू से और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा। तो चलिए पहला फीचर आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया है भाई। एक जो दिक्कत हमें परेशानी जो होती है वो होती है इस आवाज़ से। ये देखो, ये है लॉक की साउंड, ये है अनलॉक की साउंड। हम चाहते हैं कि यार ये जो साउंड है ना, ये बंद हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम रात में आते हैं, कई बार आप ऑफिस वाले हैं, कई बार आप बिजनेसमैन हैं, तो आप रात में आते हैं तो चाहते हैं कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, आस पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो, और आराम से जो है गाड़ी लेके निकल जाएं, और आप चाहते हैं आराम से जो है गाड़ी आप पार्क कर लें। बट ये जो हॉर्न है ना, ये जो हॉर्न, ये थोड़ा सा आपको परेशान करता है, और इससे क्या होता है घर वाले जाग जाते हैं। तो भाई इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ, इसी चाबी के अंदर जो है उसका सोल्यूशन छुपा है, मैं बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों ऐसा है कि देखो, आप चाबी आप देख रहे हो, चाबी में लॉक एंड अनलॉक वाला जो बटन है, अगर इसको आप दोनों को एक साथ दबाते हैं थोड़ी देर के लिए लाइक दिस, यहाँ पे होगा ये कि तीन बार जो है ये आपकी जो लाइट है ये ब्लिंक होगी। इसका मतलब ये है कि अब वो आवाज़ जो थी, जो हमारी आ रही थी, वो बंद हो जाएगी। कैसे, अब ये देखो, अब मैं इसको लॉक करूँगा तो देखना, बिल्कुल जो साउंड आ रही थी, जो हॉर्न की साउंड थी, वो नहीं आएगी। ये देखो नहीं आ रही। अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो देखो ये साउंड जो है चली गई। तो भाई ये बहुत अच्छा फीचर है, अगर आपके पास वेन्यू है और आप ये चीज़ चाहते हैं तो भाई इसको होल्ड करना और आप जो है इसकी साउंड को बंद कर दोगे। अगर आप दोबारा से चाहते हो कि ये साउंड जो है वापस आ जाए, तो करना वही है, इस चाबी में ये जो लॉक एंड अनलॉक है इसको प्रेस करता हूँ, तो ये देखो फिर से ये ब्लिंक होंगी। ये देखो, एक दो तीन चार, तो चार बार ब्लिंक होंगी। इसका मतलब जो है अब हॉर्न की जो साउंड है वापस आ गई। ये देखो, ये हो गया लॉक, ये हो गया अनलॉक। तो बहुत ही कमाल का फीचर है। तो ये रहा पहला फीचर, अब बात करते हैं इसके सेकंड फीचर की। एक और कमाल का फीचर मैं आपको बताता हूँ, उससे होगा ये कि भाई जो पंचर वाले होते हैं, कई बार वो आपको चूना लगा देते हैं, तो वो चूना जो है अब वो नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज आपकी हुंडई वेन्यू में बहुत ही कमाल की चीज़ मिलती है। जैसे कि अगर इसका टायर देखें, ये देखो ये है इसका टायर, और यहाँ पे अगर इसकी नोजल की बात की जाए, तो आपने देखा है कि जब भी आप कभी पंचर वालों के पास जाते हैं, हाईवे पे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको पकड़ के, जैसे आप बोलते हैं हवा डाल दो, तो इसको पकड़ के हिला देते हैं और इसको तोड़ देते हैं, और फिर आपसे कहते हैं कि भाई जो आपकी गाड़ी है उसका ये जो नोजल है ये ख़राब हो चुका है, तो आपको इसको दोबारा से डलवाना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें ना होती हैं, ये प्रैक्टिसेस भी वो करते हैं, काफ़ी जो है हाईवे पे शिकायत आई है। बट यहाँ पे वेन्यू के अंदर आपको ये देखो, देखो अपनी हुंडई वेन्यू के अंदर यहाँ पे ये जो आपको नोज़ल मिलता है, ये तो उसकी कैप है, और ये जो नोज़ल है ये आपको पूरा एल्यूमिनियम का मिलता है, जिसको आप हाथ से अगर हिलाओगे भी ना, तब भी आपका ब्रेक नहीं होने वाला। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, नहीं तो नॉर्मली आपने देखा होगा यहाँ पे जो ये नोज़ल मिलता है, ये आपका होता कौन सा है, ये आपका होता है रबड़ वाला, जो आराम से जो है टूट जाता है। तो आपको ये जो पंचर वाले हैं ये चूना लगा देते हैं भाई, तो यहाँ पे वेन्यू के साथ आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली। इवन इनकी आप अल्कज़ार लोगे ना हुंडई की, तब भी आपको ये दिक्कत आएगी भाई, वहाँ पे भी आपको जो है रबड़ वाला ही ये नोज़ल जो है देखने को मिलता है। तो भाई ये एक बहुत अच्छा फीचर है। तो अब आती है थर्ड फीचर की बारी, तो एक और फीचर बताता हूँ, बहुत ही कमाल का है। ऐसा है कि अगर ड्राइवर डोर पे आपका बच्चा बैठा है, कोई भी छोटा बच्चा बैठा है, और वो इस डोर को अगर बंद करता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है डाउन हो जाती है। ये फीचर आपको ड्राइवर डोर के अंदर मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, होगा ये कि जैसे अगर ये ऊपर इसको चढ़ाता है, ऑटोमेटिकली जो है ये नीचे आ जाता है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है, इससे होगा ये कि जो चोट है वो नहीं लगेगी, और ऑटोमेटिकली जो विंडो है वो रोल डाउन हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अब आई नेक्स्ट फीचर की बारी, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है उसके लिए मुझे इस गाड़ी को चलाना पड़ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये फीचर बहुत अच्छा है कि लेट सपोज आप यूं करके ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले तो आपके जो डोर हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे, उसके लिए भी आप यहाँ पे जो है अंदर ही फीचर मिलता है, जिसको आप सेट कर सकते हैं, डोर को आप ऑटोमेटिकली लॉक करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। इस तरीके से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, लेट सपोज कि आपकी गाड़ी ऐसे चल रही है, और यहाँ पे 20 के बाद जैसे ही अगर कोई बच्चा
ऐसे डोर खोलता है, तो ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये जो डोर है ये नहीं खुलने वाला और ऑटोमेटिकली जो है ये प्रेशराइज करके उसको बंद कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि बच्चा आराम से, देखो छोटा बच्चा होता है तो ये सारे जो है पंगे लेता रहता है, तो ये चीज़ आपकी इस वेन्यू के अंदर अगर वो करता है तो ऐसी चीज़ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो मैं इसको जैसे ही कर रहा हूँ ना, तो ये देखो इस तरीके से जो है ये वापस चला जाता है बैक। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, सेफ्टी फीचर बहुत सही लगा मुझे ये चीज़, ये छोटे बच्चे नॉर्मली कर देते हैं, ये जो है सबसे सही जो है मुझे सेफ्टी फीचर लगा बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ये फीचर हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और बढ़िया फीचर। लेट सपोज कि अगर आप गाड़ी में फंस जाते हो और ये जो ड्राइवर डोर है या कोई भी डोर जो है आपका ना खुले, तो ये चाबी जो है आपके लिए रामबाण जो है साबित हो जाएगी। कैसे होगी मैं बताता हूँ। यहाँ पे इस चाबी से जो है हम इमरजेंसी एग्जिट जो है इसको खोलते हैं, तो ये चीज़ें जो है बहुत कम को पता है। तो अब आपको एक बार जो है डेमो करके दिखाते हैं। तो ये देखो, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ आगे बैठे हैं और आप पीछे इस तरीके से जाएंगे, ये देखो इस तरीके से आप पीछे मूव करते हैं और ये जो सीट है इसको आप यहाँ से पकड़ के इसको करते हैं नीचे, और ये देखो इस तरीके से आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ये जो आपको एक लाइन सी दिख रही है इसमें आपको ये चाबी को डालना है, ये देखो, और ऐसे करके खोल देना है। ये देखो भाई, इस तरीके से आप जो है गाड़ी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जो है इमरजेंसी आपका एग्जिट का फीचर है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। तो ये चीज़ ज़रूर करना अगर आप कभी भी मुसीबत में फंस जाएं। तो एक छोटा सा आपको डेमो दिखाया था, इसके लिए जो है मेरा भतीजा था, तो थैंक यू उसको। तो यहाँ पे इसको यहाँ से हमने बंद कर दिया। दोस्तों ये फीचर भी बहुत काम का है, मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज़ के पीछे कोई बैठा है, लेट सपोज़ अभी एक बच्चा बैठा है और बच्चा अगर स्टेप आउट करता है या कोई बड़ा बैठा है वो स्टेप आउट करता है इस तरीके से, और वो स्टेप आउट करता है और दरवाजे को वो इस तरीके से बंद करके छोड़ देता है और आप गाड़ी को लॉक करते हैं, लेट सपोज इस तरीके से, ये देखो, तो गाड़ी में जो हॉर्न है वो चीज़ नहीं बजती। तो इससे क्या होता है, इससे इंडिकेशन हो जाती है कि जो आपकी गाड़ी है वो लॉक नहीं हुई है। देखो अनलॉक की साउंड आएगी, ये देखो अनलॉक की साउंड आ रही है, बट लॉक जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा भाई कोई तो गड़बड़ी है, कोई ना कोई दरवाज़ा जो है आपकी गाड़ी का खुला है। तो खुला कैसे है, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे और देखेंगे अरे हाँ यार ये तो खुला है। अब लेट सपोज इतना भी बंद हो ना तब भी जो है आपका लॉक नहीं होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको अनलॉक करो और ये देखो, अब देखो, तो ये चीज़ बहुत सही है। तो ये भी एक हिडन फीचर था जो मैंने आपके साथ साझा किया। तो दोस्तों इन जो फीचर्स आपको बता रहा हूँ ज़रूर इनका ध्यान रखिएगा, ये आपकी डे टू डे लाइफ में ना काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपको। तो दोस्तों एक और आपको जो है बहुत ही बढ़िया फीचर बताता हूँ कि होता क्या है कि कई बार आप ड्राइव कर रहे होते हैं बट आपको ये कन्फ्यूजन होती है कि यार जो गाड़ी का टायर है वो सीधा है या नहीं है। तो आज आपको एक बहुत ही सही ट्रिक बताऊंगा, तो काफ़ी कमाल की ट्रिक है, ज़रूर इसको अपनाइएगा। कि लेट सपोज आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और आपको नहीं पता ये जो अभी टायर है मेरी गाड़ी के, नहीं तो नॉर्मली आजकल देखा आपने काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों में टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पे आपको पता चल जाता है गाड़ी के डायरेक्शन का, टायर किस साइड में खड़ा है, इधर है या इधर है। बट भाई अपने पास जिसके पास बेस मॉडल है, सेकंड बेस मॉडल है, तो उनको क्या करना है, उनके लिए बहुत सही चीज़ है। करना ये है कि लेट सपोज आपकी गाड़ी खड़ी है, आपको नहीं पता ये कैसे खड़ी है, लेट सपोज मैं ऐसे कर देता हूँ, अब मुझे नहीं पता जो मेरा टायर है वो सही है या नहीं है। तो करना क्या है, मैंने इसको पूरा का पूरा एक तो यहाँ काट दिया, अब जैसे अब ये हैंडल आ गया इस तरीके से, यहाँ पे आपका लोगो जो है सीधा होना चाहिए, फिर आपको करना क्या है, एक बार बस एक बार जो है हैंडल को दोबारा से आप घुमा दीजिए और आपका जो है टायर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखोगे कैसे, ये देखो, तो अभी आप देख रहे हो बिल्कुल सीधा हो गया टायर। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक बार फिर करके दिखाता हूँ। तो लेट सपोज दोबारा से एक बार करके दिखाता हूँ, ये देखो अब मैंने साइड में कर दिया, मुझे नहीं पता मेरी डायरेक्शन कहाँ पे है, अभी आप टायर देख सकते हो, तो टायर देख रहे हो टेढ़ा है, तो अभी आप टायर देख रहे हो वो हो चुका है टेढ़ा। अब मुझे इसको सीधा करना है, तो मुझे को करना क्या है, एक तो मैं इसको इधर लेके आ गया, लेट सपोज पूरा यहाँ पे स्टेयरिंग रुक गया मेरा जो एंड पॉइंट था, उसके बाद मैंने इसको हल्का सा सीधा किया, तो इस तरीके से मैंने इसको हल्का सा सीधा किया और उसके बाद एक बार और राउंड मैंने मारा और अब देखो दोबारा से टायर को हो चुका है सीधा। तो आप देख रहे हो दोनों टायर जो है फ्रंट के बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। तो यही फीचर मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत ही कमाल का फीचर है, इस चीज़ को आप ज़रूर यूज़ करना। ये जो फीचर है एक्चुअली हर गाड़ी के लिए आपका काम आएगा, सिर्फ वेन्यू के लिए नहीं है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, ये जितने फीचर्स मैंने आपको बताया ना ये बहुत ही कमाल के हैं। दोस्तों सारे के सारे हिडन फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, लगभग 6-7 फीचर्स जो है मैंने आपको गिनवा दिए, काफ़ी कमाल के हैं। डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब।
साथ ही अब अपनी जो है ओला S1 Pro आ चुकी है, तो उसको भी बिल्कुल प्यार देना, और ऐसे ही जैसा वेन्यू को आपने पसंद किया है तो उसको भी पसंद करना। मिलेंगे अच्छी अच्छी वीडियो लेके, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। चलो जी।